सो गाइस अभी हम आ गए हैं ब्लेंच टाउन लॉक लॉक वन पे। तो ये जो आपको रिवर दिख रही है ये मरे रिवर है और ये काफी बड़ी रिवर है और यहाँ पे छोटा सा बांध जैसा भी है। तो आइए तो हम अभी अभी थोड़ा सा नीचे जाके पास से दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहा है, आपको मजा आएगा देखने को। आइए तो आप देखिए ऊपर से भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। देखिए कितने फास्ट से वो पानी आ रहा है, कितने सारे पक्षी है देखो ना। हाँ सो गाइस ये ब्लेंच टाउन ब्रिज है और हम जा गए थे वो रिवर और डैम देखने, वही सेम चीज दिखेगी पर वो हम ऊपर से नजारा देखेंगे कि कैसा दिखता है। आइए तो हम चलते हैं आगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सो आज का वीडियो है बर्थडे स्पेशल और ये है बर्थडे बॉय और इनके बर्थडे स्पेशल हम बाहर जा रहे हैं। तो आज है फ्राइडे और लकीली आप लकी हो कि फ्राइडे के दिन आया आपका बर्थडे। नॉर्मली वीकडेज में आता है तो जॉब की वजह से हम कहीं जा नहीं पाते, बट आज हमने छुट्टी ली है। फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे हमको तीन दिन मिलेंगे ऐसा सोच के हमने फ्राइडे ऑफ लिया और हम तीन दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं रेनमार्क जो एडिलेड से 3 घंटे के दूरी पर है। हाँ 3 घंटे के दूरी पर है। हम फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं वहाँ पर, हमने अभी तक वहाँ पर एक्सप्लोर नहीं किया है, बट देखते अभी कैसे है। और आप भी बने रहिए हमारे साथ रेनमार्क घूमिए। और अभी भी यहाँ पे ठंडी चल रही है, सब अगस्त चल रहा है और स्टिल बहुत ठंडी है और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी। तो मिलते हैं हम जल्दी ही। तो हम सबसे पहले अभी जाएंगे, बर्थडे है तो हम पहले मंदिर जाएंगे, हमारे घर से बहुत पास में ही है तो हम पहले स्वामीनारायण मंदिर जाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे हमारी ट्रिप पे। क्योंकि स्पेशल बर्थडे है तो भगवान जी का आशीर्वाद तो बनता ही है। चलो तो मिलते हैं हम मंदिर में। चलिए देखिए गाइस, तो अभी हम आए हैं स्वामीनारायण मंदिर, हमारे घर से बहुत ही पास में है। तो अभी हम अंदर जाते हैं और करते हैं दर्शन। बर्थडे बॉय दर्शन ले लो। हमारा दर्शन हो गया है, आपने देखा होगा वहाँ पे अलग से थोड़ा सा डेकोरेशन किया है। तो अभी अधिक मास चल रहा है ना, तो अधिक मास के यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं, मीन्स रोज कुछ ना कुछ होता है। अभी तो द्वार बंद थे जो मेन भगवान की मूर्ति के थे, तो ठीक है हमारे दर्शन हो गए, अभी चलते हैं हम हमारी ट्रिप पे। सो गाइस अभी हम ग्वालियर में हैं, यहाँ पे फ्यूल स्टेशन पे रुके हैं, हमने हमारा पेट्रोल भर लिया है। तो हम रेनमार्क ग्वालियर से होते हुए जा रहे हैं। हाँ। और एक दूसरा भी हाईवे बोला। हाँ, दूसरा हाईवे है वो नॉर्थ ईस्ट रोड। हाँ। आप वहाँ से भी होके मडबरी से होके हुए वहाँ से रेनमार्क जा सकते हैं, वो घाटी वाला रोड है। तो हमने हमारे घर के पास में जो हाईवे था वो स्टड हाईवे है, सो वो बहुत ही क्विक है और बहुत ही क्विक वहाँ से पहुँच सकते हैं ऐसा है। तो आप तो हम एगे वाले रूट से 2-3 चीजें जो कवर करते हुए जाएंगे और फिर अगर आप देखिए अगर ये रूट आपको अच्छा लगा तो आप भी ये रूट से जाइए। हाँ।
गाइस देखिए हाईवे कितना अच्छा दिख रहा है, पूरी हर जगह पे ग्रीन ग्रीन है, क्योंकि अभी यहाँ पे विंटर चल रहा है तो विंटर में ऐसा ही बढ़िया सा वेदर रहता है और पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी रहता है। आप देख सकते हो कि कितने दूर तक मस्त वेदर दिख रहा है। वाओ वेरी ब्यूटीफुल। गाइस तो अभी हम जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए रुके हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे शेड लगा हुआ है और वहाँ पे टेबल भी लगा हुआ है और बिन भी दिया हुआ है, डस्टबिन यहाँ पे अगर आपको रुक के कुछ खाना वगैरह है। और यहाँ से देखें कि व्यू कितना सुंदर दिख रहा है, हर जगह एक प्रकार का लुकआउट ही है तो कितना सुंदर दिख रहा है। और आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी घूमते हो, एक मिनट आवाज आ रही कुछ नहीं होता बोल। तो यहाँ पे आप कभी कहीं पे भी ऐसे घूमने निकलते हो तो ऐसा छोटा छोटा रेस्ट करने के लिए आपको दिया गया रहता है। अगर आप ड्राइव करके आप थक गए हो, पैर दुख रहे हैं, बैठ बैठ के कमर दुख रही है, तो आप ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा 2-3 मिनट 5-10 मिनट का रेस्ट ले सकते हो और साथ ही साथ ऐसा व्यू का एंजॉय भी कर सकते हो। तो अभी थोड़ा हमारा रेस्ट तो हो गया, तो अभी हम चलते हैं हमारे पॉइंट पे। जो देखिए गाइस, ऊपर नीला नीला आसमान, नीचे पूरा ग्रीनरी, वेरी ब्यूटीफुल, क्या नजारा है। और यही रास्ते को फॉलो करते हुए देखो रास्ता कहाँ कितने दूर तक जा रहा है। हम सीधा रास्ता देख पा रहे हैं, कितना सुंदर दिख रहा है। और लकीली आज वेदर भी बहुत अच्छा है तो ऐसे बादल नहीं है, अदरवाइज बादल में इतना मजा नहीं आता है, पर ठंडी तो है ना। हाँ, ठंडी तो है। और थोड़ा दूर आए तो हवा भी बहुत चलती है यहाँ पे। अभी हम जल्दी पहुंचेंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, 20 मिनट्स के बाद मैं मिलती हूँ आपको। सो गाइज अभी हम आए हैं, वेलकम टू ब्लैंच टाउन। सो अभी हम ब्लैंच टाउन में आए हैं, देखते हैं क्या दिखता है हमको यहाँ पे। सो गाइज देखिए अभी हम एक्चुअल स्पॉट पे आ गए हैं और बढ़िया से मस्त रिवर देख रही है हमको। देख रही है तुमको? नहीं, रिवर नहीं देख रही है मुझे, हम रिवर को देख रहे हैं। हमको रिवर वो देखो ना उधर, वाह झरने जैसा हो रहा है। यहीं पे गाड़ी लगाते हैं। ठीक है। अरे वो उधर से है, वो देखो वो उधर से है। अच्छा, पर यहाँ से जाके देखते ना क्या है पहले। ओके। सो गाइस अभी हम आ गए हैं ब्लैंच टाउन लॉक 1 पे। तो ये जो आपको रिवर दिख रही है ये मरे रिवर है और ये काफी बड़ी रिवर है और यहाँ पे छोटा सा बांध जैसा भी है। तो आइए तो हम अभी अभी थोड़ा सा नीचे जाके पास से दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, आपको मजा आएगा देखने को। आइए तो गाइस अभी हम जो गॉलर में रुके थे तो गॉलर से हम निकले तो नियरली 1 घंटा लगता है ये ब्लैंच टाउन आने के लिए। आइए तो अभी हम चलते हैं नजदीक से देखते हैं। सो गाइस यहाँ से तो हम उधर नहीं जा सकते, क्लोज नहीं जा सकते, नो एंट्री लिखा है, तो मे बी काम वगैरह चालू होगा। पर आपको ऊपर से हम दिखाते हैं कि बांध कितना सुंदर दिख रहा है और रिवर भी बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पे वहाँ पे लिखा है कि अगर आपको अंदर जाना है तो यहाँ पे जो कोई भी रहेगा उनके साथ आप जा सकते हो, पर अभी यहाँ पे कोई है नहीं तो हम आपको यहाँ से ऊपर से ही दिखाते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ।
तो गाइज ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ इन्होंने फ्लड लेवल बताया है कि कौन से ईयर में सबसे ज्यादा फ्लड आया था, फ्लड यानी बाढ़ आई थी। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा बाढ़ 1956 में आई थी, और अभी देखिए 2023 में, यानी अभी रिसेंटली भी यहाँ पे बाढ़ आई थी। और हमने काफ़ी न्यूज़ देखी थी हर जगह पे, ये मरे रिवर में ज़्यादा ही बाढ़ आई थी, और कुछ कुछ बिजनेसेस भी बंद हो गए जैसे, और हम एक्चुअली जहाँ के कैंपिंग जाते थे वो भी, वो प्लेस पे भी फ्लड आने की वजह से उन्होंने वो भी जगह बंद कर दी। तो अच्छा खासा फ्लड आया था 2000 अभी रिसेंटली। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे वॉक कर लेते हैं और चलते हैं। गाइस तो अभी हम ऊपर आ गए हैं, ऊपर से काफी अच्छा दिख रहा है, नीचे से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, मीन्स कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आप देखिए ऊपर से ही बहुत सुंदर दिख रहा है, देखिए कितने फास्ट से वो पानी आ रहा है, कितने सारे पक्षी है देखो ना। हाँ मैं जूम करता हूँ, वाव बहुत अच्छा दिख रहा है। पक्षी भी मजा ले रहे हैं पानी का, खेल रहे हैं वो पानी में, क्यों? हाँ शायद मछलियाँ खा रहे हैं, क्या बदक? बदक भी है वहाँ पे। तो गाइस काफी अच्छा व्यू है, हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप रेनवर के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक सकते हो, यहाँ पे टॉयलेट्स भी दिए गए हुए हैं और वहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, तो काफी अच्छा है, आप यहाँ आ सकते हो। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो कितने दूर है वो नेक्स्ट पॉइंट? बाजू में ही है। अच्छा बाजू में ही है, वो वही है क्या बैंक? नहीं वो नहीं है, कोई दूसरा है। ओके चलो गाइस तो मिलते हैं हम अभी हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सो गाइस हमने जो वो रिवर और डैम देखा था, अभी हम दूसरी तरफ आए हैं, वहां से हम ऊपर से कैसा दिखता है वो देखने के लिए आए हैं। तो आइए तो हम ऊपर से देखते हैं वो कैसा दिखता है। सो गाइस ये ग्रैंडस्टोन ब्रिज है, और हम वहां जा गए थे वो रिवर और डैम देखने, वही सेम चीज दिखेगी, पर वो हम ऊपर से नजारा देखेंगे कि कैसा दिखता है। आइए तो हम चलते हैं आगे, और वहां से हमको एक ब्रिज दिख रहा था जहाँ से सब जाती थी, तो ये वही ब्रिज है, वहां से ये दिख रहा था, और अभी यहाँ से हम वो देखेंगे। हम यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं, देखिए। हाँ अरे हाँ नीचे जाके हम क्लोज से गाइस रिवर भी देख सकते हो, देखिए वहां तक जा सकते हैं हम, यहाँ से सीढ़ियां है और फिर हम नीचे नीचे तक जाके वो रिवर के पास जा सकते हैं, कोई नहीं है। बापरे कितने वो एक डाली, फिर को मैं जूम करता हूँ। हाँ कौवे नहीं है, वो ही पान कोमड़ी या फिर ऐसा कुछ। हाँ, उनकी तो नेक है, वो बोले थे। हाँ Thank you.
कि वो डैम हमने देख रहे थे, वहाँ से हम वहाँ पे थे और अभी हम थोड़ा सा ऊपर आए और ऊपर से हम वो डैम फिर से देख रहे हैं। देखिए यहाँ से कुछ अलग ही नज़ारा दिख रहा है, वो झाड़ कितना सुंदर दिख रहा है एकदम रिवर के बीच में। नाइस, अच्छा व्यू है। सो गाइस, कैसी लगी ये जगह ब्रांचटाउन लॉक, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं होता है क्योंकि रेनमार्क हम तो यहाँ पे 2 दिन के लिए आए हैं, तो अभी तो ये फर्स्ट पॉइंट ही था, पर ये हम पार्ट 1 में वीडियो डालेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आप ये वीडियो देखिए और कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। हम मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।